दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। सारे जो साथी हैं लेखपाल वाले वो जॉइनिंग ना होने के कारण अवसाद और तनाव से गुजर रहे हैं। भाई सीधी बात है, जब जॉइनिंग नहीं हुई 23 फरवरी से अब तक इतना समय हो गया और नई नई तरह की बातें होती हैं, दुनिया भर के लोग मतलब जो कस्टॉप पे हैं या मतलब पॉइंट 25 से पॉइंट 50 पे या एक नंबर से ज़्यादा हैं तो उनको डर लगा रहता है। डर इसी बात का लगा रहता है कि होगा क्या आगे, इस भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा, जॉइनिंग कब होगी, और जॉइनिंग जब हो जाएगी तभी अवसाद ख़त्म होगा। ये बात मान लीजिए, जब तक जॉइनिंग नहीं तब तक कुछ मतलब नहीं है। हम सफलता कितनी भी मतलब हम अपने अंदर मान लें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सफलता असली तभी मिलेगी जब हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। अब जॉइनिंग 8 तारीख के बाद, जैसे आयोग ने परिषद ने ये बोला भी है कि जैसे ही तुम्हारी स्टे ख़त्म होगी विद इन 24 आवर आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तो एक अच्छी बात है। अगर 8 तारीख को स्टे हट जाता है तो 9 तारीख 10 तारीख तक आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अब देखो एक चीज़, जो कल का मैच था वाकई में एक उदाहरण बन सकता है कि ऐसा लगने लगा था कि जब 30 बॉल रह गई थी और 30 ही रन चाहिए थे कि अब मैच का कुछ नहीं हो सकता, और इतने बढ़िया बैट्समैन हैं और दुनिया भर के मतलब मार देंगे, एक ओवर में ही गेम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मैच इंडिया जीता। इससे कुछ ना कुछ तो सबक लेने की ज़रूरत है। जब एक तरफा लगने लगा कि अब तो साउथ अफ्रीका जीत गई, अब तो कोई मतलब ही नहीं है इंडिया का, तब भी हम मैच जीत गए, तो वो मैच से मतलब नहीं है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, उतार चढ़ाव से भरी हुई है, और लेखपालों का तो कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव हो रहा है। जैसे हमें लग रहा है कि हमारे हाथ से बाजी अभी तक ये हमें लग रहा है कि पूरी की पूरी जितने भी कोर्ट केस चला, जितने भी कोर्ट केस हुए आज तक हम हारे नहीं हैं, ये बात समझ लो, और ना आगे हारेंगे। इतनी हिम्मत बना के चलनी है। हाँ बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन आते हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं, और सारी चीज़ों को झेलने का आप में मादा है। इतना दिन कट गए, अब ये 30 तारीख आज हो चुकी है, 7 दिन का वेट और है, 8वें दिन आपकी ऑलरेडी सुनवाई है। मैटर डायरेक्शन में है, तो आपको ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी, और उसी दिन शायद स्टे हट जाए। शायद क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर सुनवाई होती है, और हमारे तरफ से वकील तो अच्छे ही हैं, अगर परिषद अपना वकील बढ़िया भेजता है, मतलब SGI कह रहा है वो SGI आएंगे, अगर SGI देखो दो बार से हम यही सुन रहे थे SGI आएंगे, लेकिन SGI नहीं आ पाए, अगर SGI आते हैं तो उनकी बात का दम रहता है। और चाहे छोटे मोटे वकील मतलब जो अमानुल्लाह सर हैं उनके मतलब समक्ष रख नहीं पाते अपनी बात को, या फिर उस प्रकार से नहीं कह पाते जो प्रकार होना चाहिए था, लेकिन जब SGI सर आएंगे तो अपनी बात को कहने का वो मादा रखते हैं। अगर उनकी बात का सम्मान जज करेगा, सीधी बात ही है, जज को भी उनकी बात का सम्मान करना ही होगा, सीधी बात होती है। अगर कोई बड़ा वकील होता है तो किस बात का सम्मान जज करता है, तो इस बात से हमें एकदम से आश्वस्त रहना है। अगर SGI सर 8 को आते हैं हमारे केस में, तो ये मान लेना कि 8 को आपका स्टे हटने से कोई भी नहीं रुक पाएगा, ठीक है, स्टे हटेगा, जॉइनिंग आपको 24 आवर में मिल जाएगी, और तभी ये जो अवसाद का कारण बन रखा है, आपको मानसिक जो तनाव है या सामाजिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं हम लोग, तभी ख़त्म होगी जब हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। और कल का मैच वाकई में एक यादगार है, क्योंकि हारी हुई बाजी कैसे इंडिया ने जीती, इस बात का भी हमें गर्व होना चाहिए, और हमें सब लोगों को एक चीज़ का विश्वास रखना चाहिए, हमारे हाथ से अभी तक कोई भी कोर्ट केस हारे नहीं हैं। हम अब जीत रहे हैं तो हम जीतेंगे, अनबीटेबल थी इंडिया और हम भी इस बार अनबीटेबल ही रहेंगे, और ये तुम्हारा 8 को हमारा स्टे हटके हमें जॉइनिंग मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, और जो सारी चीज़ प्रक्रियाएं अब चल रही हैं या बीच बीच में इस प्रकार के जो फालतू की चीज़ें, एक आध तो देखो मान सकता हूँ कि एक आध लोग इस प्रकार के हैं जो बीच में मतलब चाहते हैं कि इनमें फूट पड़े, मतलब जो सेलेक्टेड हैं वो ही, और क्यों चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो तो बात की विषय है, लेकिन जो तुम्हारा जो फॉल्टी वाले हैं या तुम्हारे याची हैं वही बीच बीच में आके इस प्रकार के सगूफे छोड़ देते हैं, बीच में आके लोगों में लड़ाई लगवा रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कितना भी कुछ भी कर लो, आप जितना गलत करोगे, देखो प्रकृति क्या है, प्रकृति सबका बदला लेती है। मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रकृति की बात जरूर करूँगा, क्योंकि प्रकृति हर चीज़ का हिसाब लेती है। आप गलत करोगे तो उसको हिसाब लेके बैठी रहती है, और वो सही समय पर सही निर्णय लेती है। अगर हमने गलत किया है तो हमारे साथ गलत होगा, भाई सीधी बात है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है जो सिलेक्टेड लेखपाल है, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, इस बात को आप लिख लो। और मैं हर शुरू से कहता चला आ रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि हमने अगर कोई चीज़ गलत नहीं की है तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। अगर ये याची ने गलत किया है तो इनके साथ गलत होगा, अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो नहीं होगा इनके साथ भी, सीधी बात ये है। लेकिन इनकी ओछी और नीच मानसिकता ने
पूरे मतलब जो 7,897 लेखपाल हैं उनमें एक विरोधाभास की स्थिति पैदा कर दी एक दूसरे की तरफ, ठीक है। और ये कोई नहीं है, हाँ मैं मान सकता हूँ कि एक दो इधर होगा, लेकिन बाद बाकी लोग सारे याची हैं जो इधर से उधर से इधर से कर कुरु के मतलब ये लोग एक दूसरे में लड़ाई करवाते हैं और हमेशा लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और मान लो ये इस प्रकार से भी कहते हैं कि एक नंबर ज़्यादा है तो उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है, वो तो दूसरी जॉब की तैयारी करें। और तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम तो अभी सिलेक्शन में भी नहीं हो, तब भी तुम्हें गर्व है कि हमें सिलेक्शन में आ जाएंगे हम लोग। भाई बहुत बड़ी बात होती है जब 81.25 पे कट ऑफ गई है और आपके इतने भी नंबर नहीं है, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की और जनरल की 83.25, तुम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए और तुम्हें इस बात का गर्व है कि हम अंदर पहुँच जाएंगे और जो अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा गणित ज्ञान है तुम्हारे पास में जो आप लगाए पड़े हो, ये समझ में हमको नहीं आया। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे तुम्हारा सोलर वाले की बात करें, सोलर पे प्रश्न डिलीट करके इक्वल करने के लिए सबको एक नंबर दिया गया था, क्या आपको एक नंबर नहीं मिला है उसमें? अब खुद सोचने वाली बात यह है कि आपको अगर एक नंबर नहीं मिलता तो मान भी लेते कि हाँ आप अंदर आ जाओगे। जो जिसको जो अंदर है मतलब जो लेखपाल बन चुका है उसको भी एक नंबर मिला है और आपको भी एक नंबर मिला है, तो सबको एक नंबर मिला है, ऐसा तो है नहीं एक नंबर आपको नहीं मिला है। तो ठीक है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी को एक नंबर मिला है और सभी उसी कगार पर खड़े हुए हैं। जो जीता है, जो अंदर है, वो उसे तो भाई सीधी बात है उसका नंबर ज़्यादा तभी तो अंदर है। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि अगर हमारा एक प्रश्न सही हो जाएगा तब भी तो पॉइंट 25 ही बढ़ेंगे, कहाँ पर महाशय इतना वो फूल रहे हो समा के। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, हर चीज़ हमने देखी, लेकिन अब 8 तारीख का इंतज़ार है। 8 तारीख को सब कुछ ठीक होगा और प्रे करो उस प्रकृति से कि आपको 8 तारीख को ईमानदारी और सच्चाई की जीत होनी चाहिए। जैसे कल जीत हुई है इंडिया की, उसी प्रकार से आपकी भी जीत होगी। आपने भी अप्स डाउन बहुत देख लिए कि ये होगा, और तुम्हारा हाई कोर्ट में देखा होगा कितने प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को आपने रिट जीती, एक भी प्रश्न नहीं हारे। तो इसी प्रकार से आप 8 जुलाई को ये सोलर फोलर छोड़ दो, सोलर फोलर से ज़्यादा मतलब मर रखो, कुछ होना भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं होगा ना NH2 में ना सोलर में ना किसी में भी, लेकिन हाँ बस इस्टे हमारा वैकेंट हो और 9-10 जुलाई को हम अपनी तहसीलों में हों, यही प्रे करो इस प्रकृति से, इस नेचर से, क्योंकि नेचर सबको ध्यान रखती है और हर चीज़ का बदला लेती है वो सही समय पर। और सही समय 8 जुलाई का है और सही समय आएगा, और ये विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और इन याचियों की लंका लगना बिल्कुल निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया है, जो नासर्गिक रूल हैं उनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ये अगर चाहते तो पहले से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने करा नहीं, सब चीज़ इन्होंने अपने पक्ष में सोचने के लिए। हाँ अगर कभी वकील जैसे जज साहब हैं उनके पक्ष में बोल गए तो ये पक्ष नहीं है उनका, वो सुनना चाहते थे कि इसका मतलब क्या है। और सीधी बात कह रहा हूँ, राजनीति के शिकार हमारी भर्ती हो गई है, इस राजनीति के चक्कर में अमानुल्लाह ने इस भर्ती को अटकाए रखा। कभी भी प्रश्न पर कोई फॉल्टी कीपर कभी स्टे नहीं लगता, ये बात समझ लेना आप। और 8 तारीख को स्टे हटेगा, विश्वास रखिए, और इस विश्वास के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।